सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 42वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह ध्यान योग की सबसे अच्छी पुस्तक है। भैरव भैरवी के संवाद के रूप में यह ग्रंथ काफी प्राचीन है। इसमें भैरवी जी ने जिज्ञासा की है, कुछ अपने प्रश्न पूछे हैं जिसका जिक्र पहले कर आया हूं, और उसके उत्तर में भैरव जी साधना बतलाते हैं। तो यह साधना विधि 19 है और यह पिंड मंत्र साधना कही जाती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तु अर्घेन्दु बिंदु नादांत शून्योच्चारात भवेच्छिव। इसका अर्थ है कि जो पिंड मंत्र है वह स्थूल वर्ण के क्रम में ये बना रहता है, और फिर उससे सूक्ष्म क्या है, अर्ध बिंदु है, फिर बिंदु है, फिर नाद है, और बाद में शून्य उच्चार है। तो यह पिंड मंत्र जो है वो प्रणव कहलाता है, ओंकार का। इसमें जो पृथक पृथक वर्ण हैं, जिसे जानते हैं अ है, उ है, म है, यानी अकार, उकार, मकार, ये तीन जो हैं ये स्थूल वर्ण हैं और ये उस क्रम से होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अर्धेन्दु यानी आधा चंद्रमा होता है। चंद्रमा का जो आधा आकार है इस तरह से, तो वो चंद्राकार हम लोग के सामने आता है, उसको अर्धेन्दु कहते हैं। और उसमें बिंदु होता है, ये सूक्ष्म है, वो तो स्थूल हो गया अ उ और म। इसके बाद सूक्ष्म क्या होगा, अर्धचंद्र, फिर बिंदु, और फिर बिंदु के बाद नाद, बिंदु के बाद नाद, और नाद के बाद फिर उसका अंत जो कि शून्यता में होता है। तो यहां के बाद क्या है कि इस उपासना के बाद, इस ध्यान साधना के बाद शून्य में आपका प्रवेश हो जाता है, यानी समाधि में आपका प्रवेश हो जाता है। तो ध्यान से शुरू होता है, समाधि में प्रवेश हो जाता है, शून्यता में आपका प्रवेश हो जाता है। शून्यता मतलब सर्वथा शून्य नहीं है, बल्कि जो यह साकार अस्तित्व है इसकी शून्यता है। यानी इसका जो अनुभव है इससे आगे का अनुभव हो जाएगा, जहां पर आकार नहीं रहेगा, आकार का अभाव महसूस होगा, चित्र का अभाव महसूस होगा, ध्वनि का अभाव महसूस होगा। हम लोग
जब श्वास प्रश्वास करते हैं तो अगर आप गौर से सांस की ध्वनि सुनते हैं कि हमारा हम लोग के नासिका में क्या है, ये तो नली जैसा पाइप है, इसमें हवा आती और जाती है, तो किसी भी पाइप से हवा आएगी और जाएगी तो क्या है, वहाँ ध्वनि निकलेगी और गूंजेगी भी भीतर, ये दोनों काम होगा। तो अब ध्वनि कभी भी होगी तो टक्कर से होगी, तो ये ध्वनि आ रही है और जा रही है, तो जब आती और जाती है तो आप गौर करेंगे आप थोड़ी सी जोर से सांस लीजिए और छोड़िए, तो इसमें शो हम की आवाज आएगी, सो हम, इस तरह सोहम सोहम का जप सांस के माध्यम से होता रहता है अपने आप। तो जो साधक होता है उसको जपना नहीं पड़ता है, वो क्या करता है, बस स्थिर होकर के सांस की ध्वनि को सुन रहा है। और जो सुनते सुनते क्या होता है, इसमें जो स है और ह है, तो पहले सो हो गया फिर ह हो गया, सो ह फिर ऊपर बिंदु है, तो ये सो और ह को हटा दिया जाए तो हम आएगा, यानी ओम ओम आने लगेगा, लास्ट वाला जो है हिस्सा वह ओ ओम का उच्चारण होता है। गौर से उसके लिए आपको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, सांस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब जब उस ओम का आपको पता चल गया सोम के बाद, तो आप स और ह का उसका लोप हो गया, खाली ओ उमरा रहा है। अब उसके बाद फिर अ जो है उ और म, इसका भी लोप होना शुरू हो गया, अ का उ में, उ का म में, और म का चांद बिंदु में। चांद बिंदु मतलब कि उपांशु, फुसफुसाने की जो आवाज होती है, जब सब एक हिस्सा हो गया तो साय साय की आवाज खाली आएगी, फुसफुसाने की, हवा बस आ रही है जा रही है, कोई ध्वनि ऐसी उत्पन्न नहीं कर रही है जो कि आप सुन सके। ध्वनि उत्पन्न तो हो रही है लेकिन ऐसी नहीं जिसको कि आप कान से सुन सके। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चेतना से, यानी जितना जितना सूक्ष्म आपका ध्यान होगा तो अपनी चेतना से उस ध्वनि को सुनेंगे, क्योंकि वो ध्वनि आप कान से सुनाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके एक तो सांस आपकी धीमी हो गई है, दूसरी कि स और ह तो खत्म हो चुके हैं, और उ भी खत्म हो चुके हैं, म भी खत्म हो चुके हैं, वे सब लीन हो चुके हैं। तो जब लीन हो चुके हैं तो इसके बाद क्या बनता है, चांद बिंदु बच जाता है, तो वो हवा भी आपको मालूम नहीं पड़ने लगेगा, इतनी सूक्ष्म ध्वनि हो जाएगी, इतना आप शांत होते जाएंगे। और कोई भी जो ध्वनि है वो कहीं से टकराती है, उत्पन्न होती है और फिर टकराती है तो प्रतिध्वनित होती है, प्रतिध्वनि इसी तरह से आती है, ध्वनि जब टकराती किसी से तो प्रतिध्वनि आती है, और ध्वनि उत्पन्न हुई है तो उसको टकराना ही है किसी से, क्योंकि वस्तुएं यहाँ हैं तो टकराएंगी, तो ध्वनियाँ टकराएंगी, टकराने के बाद प्रतिध्वनि होगी। तो जो प्रतिध्वनि है वही नाद है, और बिंदु तो क्या है, वह निराकार सूक्ष्म, यानी निराकार तो अभी नहीं कहेंगे लेकिन वह सूक्ष्म, वह कहेंगे बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि हो चुकी है, इतना कि उसको हम ध्वनि नहीं कह सकते, और ध्वनि से पहले की अवस्था है, इतनी सूक्ष्म है वह, यानी वहां से ध्वनि का प्रस्फुटन होता है, और उस बिंदु का भी जो प्रस्फुटन है तो वो जहां ध्वनि जाके एकदम लय कर जाती है, तो जो प्रतिध्वनि भी है वो लय कर जाती है। तो ये प्रतिध्वनि है जो नाद है,
जो कि बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि है, यानी ध्वनि की शुरुआती अवस्था है, उसका जहाँ लय हो जाता है, नाद का अंत, नादांत, यही यहाँ पर बताया गया है कि नाद का भी जहाँ अंत हो जाता है वहां क्या होगा, जहां नाद भी समाप्त हो जाए वहां क्या होगा, वहां शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब कोई वस्तु हो, जब कोई आकार हो, तो निश्चित ही ध्वनि वहां टक्कर मार देगी, उसके कारण जो है आवाज आ जाएगी। लेकिन अगर टक्कर नहीं मार रही है, इसका मतलब है कि वह जो ध्वनि है वह ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गई है जहां उसको टक्कर नहीं मिल रही है, यानी वहां पर शून्यता है। शून्यता इस अर्थ में नहीं कि वास्तव में वो शून्य है, ऐसा नहीं है। शून्यता का इतना ही मतलब है कि वहां पर ऐसे आकार वाले तत्व तो नहीं हैं जिससे कि ध्वनि टकरा जाए और ध्वनि उत्पन्न कर दे, प्रतिध्वनि उत्पन्न कर दे, तो न वहां ध्वनि उत्पन्न होगी न प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, तो वह निराकार अस्तित्व हो गया जिसको यहां शून्य कहा जा रहा है। क्योंकि आकार वहां बन नहीं रहा, प्रकाश भी अब वहां नहीं दिख रहा है, ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है, तो किसी प्रकार की कोई हलचल वहां पर महसूस नहीं हो रही, कोई गति नहीं महसूस हो रही। तो जहां गति भी नहीं हो, कोई आकार भी नहीं हो, कोई दृष्टिगोचर भी नहीं हो, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो, कोई तापमान नहीं हो, कोई प्रेशर नहीं हो, कोई समय बोध नहीं हो, कोई चित्र बोध नहीं हो, कोई स्थान बोध भी नहीं हो, उसे शून्य कहते हैं, उसे योग की भाषा में समाधि कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में आप उसे शून्य कह सकते हैं। फिजिक्स में शून्य कह लीजिए, मैथमेटिक्स में इंगित कर देते हैं उसको, तो वो शून्य होगा, जीरो हो गया। लेकिन वस्तुतः वहां पर कोई जीरो नहीं है, वस्तुतः वहां पर अभाव नहीं है तत्व का, परंतु वह तत्व आकार के रूप में तो नहीं है, स्थान के रूप में नहीं है, समय बोध नहीं है, चित्र बोध नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई तापमान नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यानी फिजिक्स में जिस चीज से किसी चीज को आंकते हैं हम, फिजिक्स में इसी से आंकते हैं, किसी चीज के भार को आंकते हैं, किसी चीज के द्रव्यमान को आंकते हैं, किसी चीज के तापमान को आंकते हैं, किसी चीज के आकार प्रकार को आंकते हैं, रंग रूप को आंकते हैं, गंध को आंकते हैं, स्वाद को आंकते हैं, स्पर्श को आंकते हैं। तो अब ये सब कुछ भी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, जब ये सब जो फिजिक्स में जिस चीजों को आंकते हैं अब वहां वह कोई चीज नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। और यह कह रहे हैं कि शून्य का उच्चार, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, शून्य का उच्चार, शून्योच्चारात् भवेच्छिवः। तो शून्य का उच्चार का मतलब क्या होगा, यानी वह अव्यक्त स्थिति है, वहां तत्व तो है और वहां उच्चारण हो रहा है, उस उच्चारण से ही तो अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है। यानी वहां किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई, वहां कोई गुण भी नहीं मिल रहा है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां शून्य का उच्चार है। और शून्य के उच्चार के कारण ही फिर यह प्रकटीकरण है। लेकिन अब वह शून्य जो है, जो यथार्थ में तो शून्य नहीं है, कुछ वहां तत्व तो हैं जो स्थूल नहीं है, जो काफी सूक्ष्म हो चुके हैं, इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि हमें कुछ उसका जो प्राकृतिक जो उसके गुण होते हैं उसका कुछ पता नहीं चल रहा, परंतु वे भी भवेच्छिव, वो भी इसमें लीन होकर, लीन हो जा रहे हैं, और लीन होकर के क्या बना रहे हैं, वहां वह जो है शिव, वो शिव हो जाता है। तो भवेच्छिव भवेच्छिव, तो वहां शून्य के उच्चार का शून्य जो है फिर आगे जाके शिव तत्व हो जाता है, शिव हो जाता है।
तो शून्य जो है पूर्णता में होता है, शून्य अनंतता में हो जाता है। शून्य का ही जो बृहत स्वरूप होता है, अव्यक्त स्थिति यानी वह आकाश की स्थिति महाकाश में जब हो जाए तो वह शिव तत्व हो जाता है। तो यहां उच्चार का मतलब यही है कि वह जो आकाश है, जो शून्य है, उसका उच्चार क्या हो रहा है, वो महाशून्य में हो रहा है, जो शिव है, भवेत शिव, वो शिव हो जाता है। तो महाकाश शिव है, तो यही यहां पर बतलाया जा रहा है। तो आप इसकी साधना करें और आप बिल्कुल 5 मिनट के भीतर ही आपको एकदम शांति महसूस होने लगेगी। इतने बढ़िया साधना है। श्वास की ध्वनि को आपको पकड़ लेना है, उस पर अनुसंधान करना। तो इसमें इतना ही।